नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम द्वारा जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों को गलत करार देते हुए अपनी मांगों से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया है। जानकारी देते हुए जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विश्राम प्रसाद ने बताया कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है। खाद्य सामग्री से लेकर हर वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में वर्तमान समय में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज महिलाएं अपने आप को देश में असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक विद्वेष फैलता जा रहा है, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है, पंचायत व नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के समापन की नीति अपनाई जा रही है, जाति जनगणना नहीं किया जा रहा है और बेरोजगारी का दंश वर्तमान समय में युवा झेल रहे हैं। ऐसे में देश की अंतिम जनता तक परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को उपायुक्त के माध्यम से 7 सूत्री मांग पत्र सौंप कर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। देश में आज भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी जो आज पढ़ लिख करके लड़के लोग गवा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कोई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आज महंगाई इतना बढ़ गया है, जो यदि रोजी रोटी नहीं रहता है तो कहां से आदमी अपना परिवार चलाएगा। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बलात्कार, छिनताई, चोरी, ये सब कारण है बेरोजगारी का। आज जैसे पूरे देश में हम लोग इसको भी मांग कर रहे हैं, इस जनगणना पर क्यों केंद्र सरकार पीछे हाथ छिप रहे हैं। जनगणना होना चाहिए और आज जो जितना भी बेरोजगार है, यदि वो उनको उस पर ध्यान नहीं दे रहे केंद्र सरकार, तो हम लोग 2024 में जनता अब जग चुकी है। अब केंद्र सरकार के भारी से भारी हरा करके भारी मत से उनको आप छोड़ना होगा कुर्सी, और प्रधानमंत्री बनने का योग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार। हम लोग उस तैयारी में लग गए हैं और जनता के पूरे समर्थन मिल रहा है। देख के आप केंद्र सरकार को नीति पूरे देश को खत्म करते जा रहे हैं। देश बर्बाद के तरफ जा रहा है, बर्बादी के तरफ देश जा रहा है। हम लोग आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से महंगाई, केंद्र सरकार के गलत नीतियों और महंगाई और बेरोजगार के विरोध में आज डीसी के सामने धरना दिए हैं, जिसके चलते जाति गणना भी करना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति नहीं बढ़ रहा है यहाँ उसके लिए, और शराबबंदी के खिलाफ में हम लोग धरना दिए हैं, और सरकार जितना भी गलत कदम उठा रही है उसके साथ में हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में आपका अभी इस बार नरेंद्र मोदी जी यदि अच्छा से कदम नहीं उठाए तो हम लोग 2024 में उनको हरा करके और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।